दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों समाज में, पेपर की कटिंग में, या फिर ऑनलाइन न्यूज़ में, या फिर कुछ किसी भी स्ट्रीमिंग सेशन में आपने बहुत बार सुना होगा कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनको हम आप सिर्फ पढ़ते हैं, उसको खबर मान के इग्नोर करते हैं और अगले पेज पर चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिनमें हमें आपको सबको मिलके एक अटेंशन ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अगर आज किसी के साथ हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ उसी के साथ हो रहा है। हो सकता है ऐसी कोई चीज़ मेरे साथ या आपके साथ भी हो सकती है। ऐसी घटनाओं का विरोध करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में एक बैलेंस बनाना और सामाजिकता को मेंटेन करना हम सब का मानवीय कर्तव्य है और हमारी नैतिकता का मूल्य है। दोस्तों आज की जो सबसे घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये राजस्थान की है, और राजस्थान में दरअसल एक जगह है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में घटना ऐसी है कि एक माँ के सामने उसकी बेटी के साथ गलत काम किया जाता है, और सिर्फ गलत काम ही नहीं होता, उस बेटी को माँ के सामने उठा के अपनी गाड़ी में लोग बैठाते हैं और ज़बरदस्ती लेके चले जाते हैं। माँ बेचारी रोती रहती है, बिलखती रहती है, चीखती रहती है, लेकिन उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। इस घटना की प्रोसीडिंग्स आइए पूरी जानकारी लेते हैं इसके बारे में। दरअसल सवाई माधोपुर में एक फैमिली है जिसमें इस लड़की के जो पिताजी हैं वो अपनी जॉब पे गए होते हैं, लड़की अपनी माँ के साथ अपने घर पे अवेलेबल होती है, घर के कामकाज में बिजी होती है। अचानक से उसके घर के बाहर एक फोर व्हीलर में गाड़ी की जो हॉर्न होता है वो ज़बरदस्त तेज़ आवाज़ में हॉर्न सुनाई पड़ता है। लड़की और लड़की की माँ को लगता है कि घर के बाहर कोई गाड़ी आकर रुकी है, लेकिन इन्होंने एक बार तो इग्नोर किया, जाके देखते हैं तो एक गाड़ी इनके घर के बाहर से पीछे से घूम के दोबारा से वापस रोड पर चली जाती है। इनको लगता है कि शायद कोई गलती से हमारे घर के आसपास आ गया होगा, उसको सही रास्ता पता चला तो वो बंदा अपने घर के पे दोबारा से चला गया। लेकिन हकीकत क्या थी, वो जो गाड़ी आई थी वो जानबूझ के इसके घर के सामने लाई गई थी, एक इंडिकेशन था। दोबारा से क्या होता है, लगभग 10 मिनट के इंटरवल के बाद दोबारा से वही गाड़ी इस लड़की के घर के सामने आकर रुकती है। इस बार माँ और बेटी दोनों ही अपने बरामदे में आकर निकल के देखते हैं कि गाड़ी किसकी है, थोड़ी देर पहले मेरे घर से वापस जा चुकी लेकिन दोबारा से आ गई। जब इन दोनों ने जाके देखा उसमें से तीन लड़के बारी बारी से उतरते हैं और उस जो आंटी जी हैं उनसे बोलते हैं, आंटी जी नमस्ते, और ये औरत बोलती है कि बेटा मैं आप लोगों को पहचान नहीं रही हूँ, आप लोग कौन हो? अचानक से एक लड़का बोलता है, आप नहीं पहचानोगी, अपनी बेटी से पूछो, ये हमें पहचानती है। माँ को लगता है कि शायद बेटी की जान पहचान का कोई आदमी होगा, बस इतने भर की बात थी। अचानक से एक जो लड़का होता है अपनी जेब से एक कंडीशनर हथियार निकालता है और जो औरत थी उसके यहाँ पे माथे पे लगा देता है। पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ घटना जो होती है, दूसरा बच्चा जो होता है, दूसरा जो लड़का होता है वो दोबारा से एक पिस्टल निकालता है और लड़की के यहाँ पे लगा देता है। माँ के सामने लड़की को लेके उसी के घर में कमरे में ये लोग लेके चले जाते हैं। दो लोग बाहर खड़े होते हैं और एक लड़का जो होता है लड़की को लेके कमरे के अंदर चला जाता है। 15 मिनट बाद जब ये निकलते हैं बाहर तो लड़की और लड़का दोनों पसीने पसीने हो चुके थे। लड़की डर से कांप रही थी, उसके चेहरे से आया बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल दहशत में है, बोलने तक की हिम्मत नहीं बची थी। और लड़का जो होता था एक जैसे एक कहते हैं ना कि एक शातिर हंसी उसके चेहरे पे, उस तरीके की हंसी दिख रही थी। और माँ रोती रही, चिल्लाती रही कि मेरी बेटी को छोड़ दो, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, बेटी को ज़बरदस्ती पकड़ा, ज़बरदस्ती ले जाकर गाड़ी में बैठाया, गाड़ी को गोले घुमाते हैं और रोड पर निकल जाते हैं। जैसे ही माँ को फुर्सत मिलती है माँ जोर 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 से चिल्लाना शुरू करती है। गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं, उनको जब पता चलता है ऐसी कुछ घटना गाँव में हुई है, गाँव में लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से उस गाड़ी का पीछा करने की कोशिश की। लेकिन वही बात है कि पीछा कब तक कर सकते हो, क्योंकि गाड़ी होती फोर व्हीलर थी, एक झटके में लगभग कई किलोमीटर आगे निकल गई। इस बात का जो अंदाज़ा था गांव में जब पता चलता है तो तुरंत लोगों ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आती है और गांव के कुछ लोगों ने जिनका लिंक वहां के सांसद से था, सांसद का वहां जो नाम था मैं आपको बता रहा हूं, इन सांसद का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ करोड़ी लाल मीणा ये सांसद है वहां के, इनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और ये सांसद महोदय जब वहां पे आते हैं इन्होंने तुरंत एक्शन लिया और जाके वहाँ पे नियरेस्ट जो पुलिस महिला थाना था उस महिला थाना का घेराव करना शुरू कर दिया। महिला थाना ने थोड़ी देर तक इनकी बातों सुना, इसके बाद इग्नोर करते हुए कहा कि ये क्राइम का जो क्रिमिनल केस है इसको आप महिला थाने में मत लाइए, इसको आप अपने नियरेस्ट कोतवाली में लेके जाइए, क्योंकि महिला के साथ ये केस तो हुई है लेकिन एक क्रिमिनल केस होने की वजह से हम इसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे, आप इसको कोतवाली में लेके जाइए। जब ये कोतवाली में लेके जाते हैं कोतवाली वाले भी आजकल वाला सिस्टम लगा देते हैं, कभी ये चेक करेंगे, अभी वो घटना है, अभी ऐसी चीज़ें हैं, अभी ये पेंडेंसी, अभी वो साहब नहीं है, दुनिया भर का जब एक्सक्यूज़ इनके सामने से आना शुरू होता है तो इन लोगों ने नियरेस्ट जो अपने अधिकारी लोग थे कलेक्ट्रेट ऑफिस सब ने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में जाके कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर जाके बैठ जाते हैं।
कलेक्टर साहब को मुलाकात के लिए बुलाया था। कलेक्टर वहाँ पे आते हैं, उनको पूरी घटना की जानकारी दी जाती है और कलेक्टर ने तुरंत एक्शन लेते हुए तुरंत आश्वासन का जो है इन लोगों को प्रॉमिस किया है। अब देखते हैं इस घटना की प्रोसीडिंग कैसे होती है, क्योंकि इधर से कलेक्टर ने अब आदेश दे दिया है, उधर से पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे जा चुकी है, सांसद महोदय ऑलरेडी एक्टिविटी में है, लेकिन अभी तक इस घटना के बाद इसका कोई सुराग नहीं मिला है। 19 अक्टूबर की घटना है और आज 23 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर है, यानी लगभग 5 दिन हो चुका है, इस घटना पर कोई अभी तक अपडेट नहीं आई है। आप देखिए दोस्तों किस तरीके से एक जो तबका है, जो दबंग टाइप के लोग हैं, कहीं भी कभी भी आते हैं, अपने मन का काम करके चले जाते हैं। हमारी पुलिस, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो अधिकारीगढ़ जो हाईएस्ट पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। बात ये नहीं है कि किसके साथ हुआ, बात यह है कि उस लड़की पे क्या गुजर रही होगी, बात यह है कि उस लड़की के माँ पे, उसके परिवार पे, उसके रिलेटिव्स पे क्या गुजर रही होगी। और सबसे मेन चीज़ ये कि लड़की, उसके रिलेटिव, उसके घर वालों का छोड़ो, हमारी आपकी सामाजिक जो दायित्व तो बनता है वो कहाँ गया। आज उसके साथ है, कल दूसरे के साथ होगा, परसों तीसरे के साथ होगा, क्या यही समाज है? क्या इसी के लिए हम लोग, यही दिन देखने के लिए हम लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं? दोस्तों इस ऐसी घटना अगर आपके आसपास हो, अगर आपका कोई भी लिंक हो हायर लेवल पे उनका सपोर्ट करने के लिए, तो इन चीज़ों पे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो होती हैं कंटिन्यूसली हम लोगों को हिट दे रही हैं समाज में, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, चाहे वो कोई भी जिला हो, चाहे वो कोई भी तहसील हो। समाज में सामाजिकता के दायरे में अगर काम होता है तो अच्छा लगता है, नहीं तो चीज़ें क्रिटिकल बन जाती हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।